नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है जीवित पुत्र का वार्त कथा। इस विषय पर हम बात करते हैं। जीवित पुत्र का वार्त के साथ जीवित मान की कथा जुड़ी है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवित मान है। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवित मान के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। जय राज्य का बार अपने भाइयों पर छोड़कर संभ्यावन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मल्यावती नाम का राजा राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवित मान काफ़ी आगे चले गए, तब उन्होंने एक वृद्धा विलाप करते हुए देखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन रक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शकचूड़ की बलि का दिन है। जीवतमान ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं सभ्य अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीवतमान ने शकचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीवतमान को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चुंगल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता ना देखकर गरड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीवतमान से उनका परिचय पूछा। जीवतमान ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में संभ्या का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने पर लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीवतमान के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीवतमान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।